दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 सीरीज भारत ने जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन अब 23 मार्च से वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसके लिए भारतीय टीम में अचानक कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए बताते हैं आपको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि वनडे सीरीज में रोहित शर्मा को कप्तानी करनी चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में 3 वनडे मैचों की सीरीज 23 मार्च से शुरू होने जा रही है और इस सीरीज के तीनों मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय टीम इस वनडे सीरीज के लिए अनाउंस की जा चुकी है और भारतीय टीम में कुछ बदलाव भी देखे जा सकते हैं, जिनके टीम में आ जाने से भारतीय टीम को न सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि भारतीय टीम के पास ही मौका भी होगा कि इस सीरीज को जीतकर इंग्लैंड को खाली हाथ वापस भेजे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में खेलती हुई नजर आ सकती है। भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत एक बार फिर से रोहित शर्मा करेंगे, क्योंकि 5वें T20 मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद उनका इस मैच में खेलना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी फिर एक बार शुभमन गिल के कंधों पर हो सकती है। आपको बता दें, केएल राहुल लगातार अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। 4 मैचों में उन्होंने 15 ही रन बनाए थे, जिसकी वजह से टीम में शुभमन गिल को लाया जा सकता है, जिसके साथ ही नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे भारतीय कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने T20 सीरीज में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया था और ऐसे में टीम आशा कर रही है कि वनडे सीरीज में भी वो उसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी टीम मैनेजमेंट सूर्य कुमार यादव के कंधों पर डाल सकती है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी में 2 मौके मिले और उन्होंने उन दोनों मौकों को भरपूर उपयोग करते हुए भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए फिर एक बार ऋषभ पंत की टीम में वापसी कराई गई है। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उनका खेलना लगभग तय माना जा रहा है। इसी के साथ भारतीय टीम में विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी कराई गई है। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी सभी का दिल जीत लिया था, जिसकी वजह से भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ T20 मुकाबले को जीतने में कामयाब रही, इसीलिए हार्दिक पांड्या को वनडे टीम में भी जगह दी जा सकती है। वहीं दूसरे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में जगह दी जा सकती है। उनके पास गेंद और बल्ले दोनों तरफ से योगदान देने की क्षमता है, जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि स्पिन गेंदबाज के तौर पर यजुवेंद्र चहल भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा संभाल सकते हैं और उनका साथ देंगे वॉशिंगटन सुंदर। वहीं भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार लगभग 15 महीने बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया है और जिसकी वजह से उन्हें वनडे टीम में भी खिलाने का फैसला किया गया है। उसके साथ ही शार्दुल ठाकुर T20 में अपनी आग उगलती गेंदबाजी से शार्दुल ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसके बाद मैनेजमेंट ने उन्हें वनडे सीरीज में भी खिलाने का फैसला किया है। उसके साथ ही तीसरे गेंदबाज होंगे टी नटराजन, जिनके पास गेंद से शानदार प्रदर्शन करने की कला है और भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और टी नटराजन को पहले वनडे मुकाबले में खिलाना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।